एंड जॉय। अस्सलाम वालेकुम रामेश, कैसे हो? नॉट कैसे हो, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, हाउ वाज योर डे? ठीक है। ओके जी, हमने रामेश को पिक कर लिया है स्कूल से। बाय, बहुत तेज बारिश हो रही है। यूके के वेदर का कुछ नहीं है। यस कुछ भी पता नहीं चलता, जैसे कि हमारे रिश्तेदारों को कुछ भी पता नहीं चलता कि कभी भी वो बिन बताए ही नाराज हो जाते हैं। और ऐसा हाल है यूके के वेदर का, बिन बुलाए बादल आ जाते हैं, उन बरसने लग जाते हैं। सेम लाइक आई थिंक सबकी फूफी ऐसी हैं जो बिन बताए ही बरस पड़ती हैं और बिन बताए ही नाराज हो जाती हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। जी रामेश, रामेश आप कैसे हो? ठीक हूँ। ओके, आज गुड बिहेव किया था स्कूल में? ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने रामेश्वर में जितने भी बने हैं उनसे अच्छे बने। सुबह से बारिश बहुत तेज हो रही थी एकदम। पहले सुबह थोड़ा सनी था, जब मैं छोड़ के उसके बाद एकदम मौसम बदला और बारिश स्टार्ट हो गई, तो मुझे ये वेदर बहुत अच्छा लगता है। यूके के वेदर का तो बिल्कुल भी कुछ भी एतबार ही नहीं, कब बिन बताए बरसने लग जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सेम लाइक हमारे रिलेटिव्स की तरह। तो हम लोग जा रहे थे कहीं और, बट ये न्यू रेस्टोरेंट की ओपनिंग हुई थी। इट्स कहानी रेस्टोरेंट का नेम है। मुझे लगता है इन्होंने वो गाना है कहानी सुनो से इंस्पायर होकर इसका नाम कहानी कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। ये कोई प्रमोशन नहीं है, बस हम लोग गुजर रहे थे तो रास्ते में नज़र आया कि न्यू ओपनिंग हुई है, तो हमने कहा चलो लेट्स चेक इट आउट। तो हम इसीलिए अब यहाँ पे लंच करने के, एक्चुअली ब्रंच करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे इन्होंने बड़े प्यारे प्यारे से पैरट्स, स्पैरोज़ और डिफरेंट बर्ड्स रखे हुए हैं, और काफ़ी भरा बना हुआ है, बहुत 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 अच्छा बना हुआ है। सिटिंग बहुत अच्छी है एंड फूड इज़ वेरी यमी, फूड भी बहुत मज़े का है, सब कुछ बहुत अच्छा है, 10 out of 10 है। ठीक है, अगर आप लोग भी यहाँ पे ईस्ट लंदन में रहते हैं इल्फोर्ड में, तो लाजमी ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। और बाथरूम भी इसके सुपर क्लीन टॉयलेट्स थे, और ये किसी पाकिस्तानी के हैं तो इसीलिए मुस्लिम शावर एवरीथिंग लगा हुआ था बाथरूम में। बहुत अच्छा टॉयलेट था, बहुत क्लीन, नाइस, टाइडी, वेरी नाइस। दम पुक कह रही हूँ ना मैं, और एक ग्रिल। करेंगे खाने के लिए कुछ ऑर्डर। तो अभी मैं डिसाइड कर रही हूँ कि क्या ऑर्डर करें, तो मैं कदीर से पूछा तो वो कह रहे हैं कि लैम ट्राई एंड ग्रिल, क्योंकि मेरा खाने को दिल कर रहा था ग्रिल और वो चाह रहे थे लैम ऑर्डर करना। मुझे वैसे बाहर जाके लैम लूम खाने का कोई शौक नहीं है, हांडियाँ खाने का, मुझे पास्ता, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें पसंद हैं। आजकल तो मेरा वेट भी काफ़ी गेन हुआ हुआ, काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया मैंने, और मैं जब डाइट करने का सोचती हूँ और इवन डाइट कर रही होती हूँ तभी ये हर वीक या दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं बाहर ले जाते हैं। पता नहीं चाहते हैं कि मैं वेट लूज ना करूं, बट इंशाल्लाह ताला बकराईद से पहले पहले 5-7-8 kilo वज़न कम करना, थोड़े दिन रह गए ईद में, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं 5-6 kilo तो लूज़ कर लूँ, क्योंकि मुझे कपड़े नहीं आएंगे जो मैंने मंगवाए हैं बिल्कुल भी मुझे। क्योंकि जब भी मैं डाइट स्टार्ट करती हूँ तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है कि एक दो वीक मैं डाइट कर लेती हूँ, बट उसके बाद बीच में चीट हो सकती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा खा हो जाता है। वो भी इंजॉय कर सके, ये चीज़ है।
था जिसकी वजह से मैं उसका शूट नहीं कर सकी, बट खाना बहुत टेस्टी था, बहुत यम्मी था, स्पाइसेस और ऑयल भी था और चाय भी इनकी बहुत मज़ेदार थी। मैंने बाद में चाय भी ऑर्डर की थी, चाय बहुत टेस्टी थी, मुझे ऐसी चाय पसंद है, बट इसमें थोड़ी शुगर थी बिकॉज मुझे शुगर नहीं, हम लोग लेते हैं विदाउट शुगर पीते हैं, बट कभी कभी शुगर के साथ चाय पी लेनी चाहिए, बहुत मज़े की चाय थी। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, जिसे कहते हैं ना कि एक दफ़ा मज़ा आ जाता है, वैसा इनका इन्वायरमेंट है। और स्टाफ भी बहुत अच्छा था, पीछे बैकग्राउंड में बड़े अच्छे इंडियन सॉन्ग्स लगे हुए थे जिसको मैंने अभी म्यूट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट्स आ जाता है। ये भी बहुत मसला है यूट्यूब का, अगर कोई सॉन्ग वगैरह ऐड करना हो तो कॉपीराइट भेज देते हैं। इनको भी चाहिए कि इस पर भी थोड़ा वर्कआउट करें, इतने लोग यूट्यूब पे व्लॉग्स और चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, बट हल्का सा कोई भी अगर सॉन्ग बैकग्राउंड पे कुछ भी नॉइज़ आता है तो वो कॉपीराइट भेज देते हैं। मुझे आई थिंक एक कॉपीराइट आया हुआ है तो वो मैंने वीडियो डिलीट कर दी थी, तो अब देखें क्या बनता है। और इनके ये हैंची डेजर्ट भी बहुत अच्छे थे, केक बहुत यमी था, अच्छा था, ड्राई केक था और इतना मीठा भी नहीं था, परफेक्ट केक था, परफेक्ट टेस्ट था, वेरी नाइस। और इसके बाद अब हमने खाना खा लिया है, चाय भी पी लिया, सब कुछ पी लिया। ये था आज का दिन जो हमने स्पेंड किया। उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।